नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की एक खबर पर। नगर पंचायत कैसरगंज से पवना मार्ग जाने वाली सड़क कई वर्षों से जर्जर अवस्था में देखने को मिल रही है। आने जाने वाले राहगीर तथा स्कूली बच्चे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बरसात होने के कारण उक्त मार्ग पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जब किसी मार्ग पर हजारों लोगों को आवागमन प्रतिदिन बना रहता है तो ज्ञात हो कि स्थानीय सपा विधायक का घर भी इसी मार्ग पर बना हुआ है, जो रात को अपने आवास पर विश्राम करते हैं। यही नहीं, इस मार्ग पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा रामा देवी पब्लिक स्कूल को सैकड़ों छात्र छात्राएं इसी मार्ग से आते जाते रहते हैं। जर्जर होने के कारण कई बार छात्राएं चोटिल होने पर हॉस्पिटल जाना पड़ा है, लेकिन जनप्रतिनिधि को इस मार्ग पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जबकि योगी सरकार गड्ढा मुक्त होने का दावा कर रही है, उसके बावजूद बदहाल सबके आंसू बहाने को मजबूर देखी जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी उत्तर प्रदेश से जुड़ी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24।